जनवरी 2024 का दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो चुका है और आने वाले लाखों सालों तक इस तारीख को पूरी दुनिया याद रखेगी। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में भारत के बड़े बड़े खिलाड़ी से लेकर भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी मौजूद थे, पर आज इस वीडियो में देखेंगे कि राम मंदिर को लेकर विदेशी मीडिया ने अपने न्यूज़पेपर में क्या लिखा। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि विदेशी मीडिया राम मंदिर को लेकर क्या सोचता है। पहले बात करते हैं अमेरिका के न्यूज़पेपर से। न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है कि मोदी ने एक विशाल मंदिर का उद्घाटन किया है, यह हिंदू प्रथम भारत की दिशा में एक विजय है, हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए विजय का क्षण है और जिसको राजनीति में दिलचस्पी नहीं है उनके लिए भी ये खुशी का मौका है। लेकिन राम मंदिर भारत के 20 करोड़ मुस्लिम के लिए निराशा और हताशा है और अव्यवस्था की भावना को मजबूत किया है। और मंदिर के उद्घाटन को न्यूयॉर्क टाइम ने 2024 के प्रधानमंत्री के चुनाव से जोड़ के देखा है, पर न्यूयॉर्क टाइम के इस बात पर एक बड़ा सवाल उठता है कि न्यूयॉर्क टाइम ने क्या सोच के भारत के 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों के लिए डर की बात लिखी है। जबकि राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और जो ASI सर्वे हुआ था उसका क्या। द वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, जो कई सालों से हिंदू राष्ट्रवादियों ने शपथ ली थी वो पूरी होने वाली है और 2024 के लोकसभा में चुनाव में इसकी गूंज सुनाई देगी। और मंदिर के उद्घाटन से सेंसर मीडिया ने मोदी को चुनाव से पहले ही फेवरेट बना दिया है। कई विपक्ष पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया है। कई हिंदू धर्मचारियों ने, जिन्हें शंकराचार्य बोला जाता है, उन्होंने प्रधानमंत्री पर धर्म की राजनीति और आधे बने मंदिर का उद्घाटन करने का आरोप लगाया है। ऐसा कुछ लिखा है वाशिंगटन पोस्ट ने। BBC न्यूज ने लिखा है कि गिराई गई मस्जिद पर नरेंद्र मोदी ने मंदिर का उद्घाटन किया और मोदी ने मंदिर का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया है। BBC ने लिखा है, अगले कुछ महीने में भारत में आम चुनाव होने वाला है और विरोधी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी देश में मंदिर के नाम पर वोट मांगेगी, जहां पर 80% आबादी हिंदू की है। द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, आतंकवादी हिंदू कट्टरपंथियों की भीड़ द्वारा भारतीय शहर अयोध्या में एक मस्जिद को ध्वस्त करने के 3 दशक से अधिक समय बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1992 में मस्जिद के विध्वंस ने हिंदू राष्ट्रवाद को आज प्रमुख राजनीति ताकत बनने का मार्ग प्रशस्त किया है और अयोध्या में राम मंदिर बनाने का संकल्प मोदी की भारतीय जनता पार्टी के मूल में रहा है। भारत में हिंदू वर्चस्व स्थापित करने का राजनीतिक एजेंडा है। पाकिस्तान के डॉन न्यूज़पेपर ने ये लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने उस मंदिर का उद्घाटन किया है जो उनकी ताकतवर हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति की जीत का प्रतीक है। और ये भी कहा गया है कि एक ध्वस्त मस्जिद की जगह पर बनाया गया मंदिर आने वाले समय में भारत के लोकतंत्र के चेहरे पर एक बड़ा कलंक बना रहेगा। और वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद शहीद मस्जिदों की सूची बढ़ती जा रही है। और ये भी कहा गया है कि भारत में हिंदुत्व विचारधारा के बढ़ते ज्वार ने धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है। देखा जाए तो सारे विदेशी मीडिया राम मंदिर के मुद्दे को राजनीति और BJP से जोड़ के देख रही है। आखिर क्यों विदेशी मीडिया अरबों भारतीयों की भावना को नहीं देख रही है? और इस पे एक और सवाल ये उठता है कि क्या विदेशी मीडिया को जमीनी हकीकत पता है और सुप्रीम कोर्ट से ये जो फैसला आया है उसका क्या? और सबसे बड़ी बात, KK मोहम्मद ने जो ASI सर्वे किया था उसका क्या? ASI सर्वे में बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर के पिलर और स्ट्रक्चर मिले थे उसका क्या? आखिर विदेशी मीडिया इन बातों पे चर्चा क्यों नहीं कर रही है?